हेलो एवरीवन, दिस इज परमिंदर सिंह फ्रॉम बूमिंग बुल्स टीम एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। सो गाइस, निफ्टी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत ही अच्छा फ्लैग एंड पोल दिख रहा है। और अभी जस्ट आज के दिन ही ब्रेकआउट दिया है, तो आने वाले दिन हमको निफ्टी हाइज बनाते हुए दिख सकता है। इस लेवल तक आ सकता है निफ्टी, 200-250 पॉइंट तक। कीप एन आई ओके। और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो नया ऑल टाइम हाई बना दिया है, फ्रेश ऑल टाइम हाई आफ्टर कंसोलिडेटिंग। ओके, ये रहा कंसोलिडेशन जोन। इतना बड़ा ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई बना दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी मिल गई है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ एनालिसिस ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी में हमको दिख रहा है कंसोलिडेशन लास्ट 2 दिन का। ये क्लोजिंग मिली है आज एकदम टिप पे। और हमको अगर आप थोड़ा सा उसको एक्सपांड करें तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा यहाँ पे। ये हो गया एक शोल्डर, ये हेड, एक और शोल्डर। ओके, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। इस लेवल के अगर बाहर हमको ब्रेकआउट मिलता है बुलिश, तो हम लेंगे एक लॉन्ग एंट्री। ऑल राइट, और लॉन्ग एंट्री के लिए टारगेट्स रहेंगे हमारे ये फर्स्ट टारगेट। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, काफ़ी पास है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 50 पॉइंट्स का टारगेट आप छोटा सा बना सकते हैं, पर अपना बड़ा टारगेट ये रहेगा कल के दिन के लिए। ओके, और अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट जाता है तो हम चलते हैं ये लेवल के टारगेट पे। सेकंड टारगेट ये रहा अपना। ऑलराइट, ये रहे दोनों ब्रेकआउट के लेवल्स। ऑलराइट, शॉर्ट साइड के लिए देखते हैं क्या मिलता है हमको। इस लेवल के नीचे अपने को एंट्री मिल ही जाएगी शॉर्ट साइड। ओके, और टारगेट्स हम बना सकते हैं, ये वाला एक टारगेट फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट, ज़्यादा बड़ा नहीं। ऑल राइट, तो ये रहे निफ्टी के लेवल्स। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे आ गया है एकदम। वी कैन नॉट फाइंड एनी लेवल्स अपसाइड। ओके, तो ये अपन डाउन साइड ब्रेकआउट लेवल देखते हैं। अगर कल मार्केट इस साइड में आता है, ब्रेकआउट करता है, तो डाउन साइड के ये टारगेट्स होंगे अपने। फर्स्ट टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है यहाँ से। सेकेंड टारगेट अपना 200 EMA बना लेते हैं। ओके, डाउन साइड के लिए लेवल्स हैं। और लॉन्ग साइड के लिए सिंपल है, इस यही लेवल है क्लोजिंग का। ओके, इस लेवल के ऊपर अगर आप साइडवेज खोल के क्लोजिंग देता है बुलिश कैंडल, तो एक एंट्री बनाना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, या फिर पिविट्स लेवल टारगेट बना लेना। ओके, चलते हैं स्टॉक्स पे। डॉक्टर रेड्डी के साथ स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर रेड्डी में हमको दिख रहा है कंसोलिडेशन, बॉक्स कंसोलिडेशन। ओके, ये रहे हमारे ब्रेकआउट लेवल्स, बोथ साइड पोटेंशियल। ऑल राइट, और फर्स्ट टारगेट यही हमारा लॉन्ग टारगेट 200 EMA। सेकेंड टारगेट ये लेवल ले सकते हैं। ओके, डाउन साइड के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ये सपोर्ट जोन देख रहे हो आप। बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बड़ा अगर हम टाइम फ्रेम करें, 30 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड। ऑल राइट, लेट्स सी डाउन साइड के लेवल्स कहाँ मिलते हैं हमको। ये रहा एक फर्स्ट लेवल टारगेट, कितना परसेंट है, 0.8, 0.7, 0.8%। ओके, अचीवेबल। सेकेंड टारगेट ये क्लोजिंग लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है, और बड़ा ले लेते हैं। ये क्या हमारा सेकेंड टारगेट रख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट लगते हैं, ये इस लो को रखते हैं। विक से भी सपोर्ट ले लिया है। ओके, ये मिल गया अपने को दो टारगेट्स डाउन साइड के। तो ये रहे डॉक्टर रेड्डी के लेवल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक।
इसमें हमको दिख रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल टेस्ट के साथ। ये रहा ये अपना ब्रेकआउट लेवल। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली अगर तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, और ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट 0.8% का, गुड इनफ। सेकंड टारगेट हम बनाते हैं कुछ इस लेवल के आसपास, ओके 1% होगा, ये 1% है 0.8। ओके ये दो टारगेट्स हैं लॉन्ग साइड आईसीआईसीआई बैंक। शॉर्ट के लिए हमको S200 EMA का वेट करना होगा क्लोजिंग के लिए इसके नीचे। ओके और शॉर्ट साइड के टारगेट थोड़े छोटे होंगे, ये वाला 0.5 है, ये 1%, एक ही टारगेट बनाते हैं 1% का अल्टीमेट टारगेट। ठीक है यहाँ पे अपन बुक कर लेंगे, इसके आगे हम नहीं देखेंगे, काफ़ी दूर है फिर लेवल्स, इतना मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है 1%। ऑल राइट और भारतीय एयरटेल चेक कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल में हमको दिख रहा है इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। ओके तो अगर इस सपोर्ट जोन के नीचे हमको क्लोजिंग मिलती है तो हम एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। ऑल राइट और शॉर्ट टारगेट्स देखते हैं कहाँ मिलता है। एक ये लेवल मिल गया और सेकेंड टारगेट समवेयर अराउंड दिस लो, 1% होगा 1%। ये थोड़ा छोटा है बट इम्पोर्टेंट लेवल। ऑल राइट ये दो लेवल शॉर्ट साइड के हो गए भारतीय एयरटेल के लिए। लॉन्ग साइड के लिए हमको इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना होगा। ओके ये लेवल रहा और हम लॉन्ग साइड के लिए अपना टारगेट बना सकते हैं दो। एक तो ये टारगेट है ही बीच में 200 EMA पड़ रहा है, यहाँ से अगर आपको रिवर्स होते दिखा तो आप एग्जिट कर देना। इसके ऊपर भी हमको एक टारगेट अगर लेना है तो एक ये ले लेते हैं, ये बहुत छोटा होगा बीच वाला, यहाँ पे होगा आराम से 0.97, 1% मिल गया। तो ये रहे भारतीय एयरटेल के लेवल्स। लास्टली इन्फोसिस, इन्फोसिस में भी सेम भारतीय एयरटेल जैसा ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल +200 EMA, वहाँ पे ही आके बैठा हुआ है, इम्पोर्टेंट जोन है ये। ठीक है इसके ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिल रही है कल तो हम एक लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे, और ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट होगा हमारा ये सपोर्ट जोन है। ओके ये रहे दो टारगेट लॉन्ग साइड के इन्फोसिस के लिए। शॉर्ट साइड के लिए हमको देखना पड़ेगा इस लेवल के नीचे हम एक शॉर्ट एंट्री लेते हैं, बनाते हैं अगर क्लोजिंग मिलेगी तो। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट के लिए थोड़ा दूर चलते हैं, ये होगा ये लेवल मिल गया अच्छा टॉप, ये होगा हमारा सेकेंड टारगेट। तो ये रहे इन्फोसिस के लेवल्स। ऑल राइट गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।